Very good morning to all of you and welcome back. So here we are ready for another discussion, another day. Good morning messages from Shikhar, Priyank, Aditya, Arav. Arav ne to good morning ke baad pata nahi kya kya dal diya. Mujhe lagta hai galti se press ho gaya. So good morning messages more coming up. Hitarth, Aditya. Chal, let's start. I think we had just discussed about dot product yesterday. That's what we did last time. Aaj hum log discuss karenge cross product ke upar. Theek hai na? Pehle. Ab fir uske baad aage dekhenge situations kya kya aata hai. So first discussion or the first topic of the day is cross product. Fine. So cross product is what we are going to discuss first. क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट. एक्चुअली क्या है, एक्चुअल तो है वेक्टर प्रोडक्ट पर उसमें सिंबल यूज किया जाता है क्रॉस, इसलिए एक और नाम हो गया उसका, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है ना? तो ये क्या है, है ना? तो ए क्रॉस बी, एज आई सेड, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर होगा, सो दिस टाइम इट विल बी, let's say c vector is equal to a cross b. अब कोई भी चीज अगर वेक्टर होगा तो उसपे दो चीजें चाहिए, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन, है ना? एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड क्या, याद रखना ये सब डेफिनेशन है, मतलब ये डिफाइन किया गया इस तरीके से कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ यूटिलिटी देखा. तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू a b साइन थीटा. ऑब्वियसली थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ठीक है, और ये ए बी साइन थीटा है, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. वो तो मैंने पहले ही बोला कि एक ही चीज है, स्मॉल ए विदाउट एनीथिंग इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, स्मॉल बी विदाउट एनीथिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और नहीं तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा c is equal to mod a mod b, and mind you दोनों एक ही है. अब देखो यहाँ पे mod c लिख के ब्रैकेट वो डाला, यहाँ पे नहीं डाला, यानी मैंने दोनों तरीके से नोटेशन समझा. ठीक है, दैट इज द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दैट इज अ क्रिटिकल पार्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट. डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन अ वेरी पिक्यूलर फैशन. इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे ना, राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालेंगे, है ना? तो उसके लिए रूल है, रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव योर हैंड स्ट्रेट एंड स्मार्ट, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्मार्ट हैंड्स, स्मार्ट हैंड्स रखो ऐसे कर. Proceed from any orientation in a manner that point the four fingers towards a vector, that is the first vector, in a way that they naturally turn towards b vector. यानी कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट एंड स्मार्ट रखेंगे ऐसे पहले, ये देख लो, इन ए वे कि ये नेचुरली b वेक्टर की तरफ मुड़ जाए, यानी a वेक्टर की तरफ पॉइंट आउट करो, नेचुरली b वेक्टर की तरफ मुड़ना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि पीछे कर दिया इसको, नेचुरली बिल्कुल नेचुरली. ऐसे में देन द आउटस्ट्रेच्ड
gives the direction of B cross B. ठीक है, दैट इज द रूल है. जैसे मैं एक सिंपल से बताता हूं, सपोज मैं कहता हूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. अब जो भी थीटा वीटा होगा मैग्नीट्यूड, चलो ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? पहले मुझे ए वेक्टर के अलोंग हाथ को रखना है, फोर फिंगर्स एज आई सेड. तो ये मैंने रख दिया ए वेक्टर के अलोंग फोर फिंगर्स, देखो. पर ये चलेगा नहीं. क्यों नहीं चलेगा? ये देखो, अगर मैं इसको मोड़ता हूं, ये देखो ए वेक्टर के अलोंग तो रख दिया, अगर मैं मोड़ता हूं तो देखो बी वेक्टर की तरफ नहीं जा, यानी ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा. जबकि देखो as per the first rule you have to just point out four fingers towards a vector. तो उस हिसाब से देखो तो ये ठीक है, लेकिन second rule नहीं हो पाएगा. क्यों? कि देखो जब मुड़ता है तो क्या होगा, देखो क्या b की तरफ मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, therefore ये भी नहीं चलेगा. ऐसे देखना सारे orientations देखना fail हो जाएंगे, सिर्फ एक orientation देखना बन पाएगा, और वो अब मैं करके दिखा रहा हूं. अब ध्यान से देखो, ये वाला चलेगा a क्रॉस ये वाला चलेगा. अब हमें क्या करना है, थंब को फॉलो करना. ये देखो आउटस्ट्रेच थंब, तो ये ए और ये बी और ये थंब आउटवर्ड्स, यानी आउट ऑफ द प्लेन. तो इस केस में थंब इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पोर्ट, है ना. तो देयरफॉर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. ये इस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं. ऐसे करके सारे एग्जांपल्स हमें देखना पड़ेगा, ए वेक्टर किधर है, बी वेक्टर किधर है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन. यानी दो चीजें आ गए, मैग्नीट्यूड में क्या होगा ना, एक तो साइन थीटा आ गया, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन में क्या हो गया ना, राइट हैंड थंब रूल. याद रखना लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड. तो राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे इस तरीके से. ठीक है, अब वो ओरिएंटेशन कैसे सेट करना है, दैट्स अ इनिशियल चैलेंज. विद अ लिटिल ऑफ प्रैक्टिस इट विल नो मोर रिमेन अ चैलेंज, यू विल फाइंड इट प्रीटी इजी. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं पूछता हूं आई और जे और के कॉम्बिनेशन में क्या होगा. ठीक है, so let's see what happens, let's see if I multiply I, J, K, etc. in the cross product form. उस दिन हमने dot product में भी यही किया था, आज हमको cross product form में किया, like I cross I क्या होगा, I cross J क्या होगा, I cross K क्या होगा. ठीक है, let's not be in a hurry. ये I है, ये J है, और जो K है वो एक्चुअली आउटवर्ड्स है. तो जनरली हम लोग K को ऐसे दिखाते हैं, याद है ना कल बताया ये K हो. सिमिलरली इधर माइनस आए, माइनस J और माइनस के अंदर की तरफ, अभी फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं. I क्रॉस I, यानी दो वेक्टर लेना, एक I है और दूसरा भी I है, यानी वो दोनों तो ऐसे हो जाएंगे, दोनों I है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो डिग्री. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, I यानी वन मैग्नीट्यूड इंटू वन into sine zero, यानी I cross I तो होगा zero. यानी जब मैं अगला combination पूछूंगा J cross J वो भी zero होगा और K cross K वो भी zero. So obviously similar logic. अब हम देखते हैं I cross J क्या होगा. अब इसका आंसर एक करके आंसर दें. I cross J क्या होगा? Almost everybody is giving the correct answer, लेकिन कुछ लोग ना one answer दे रहे हैं, but one मत दो, मैं magnitude नहीं चाहिए, मैं proper answer चाहिए. तो proper answer क्या होगा, K होगा. अब इसको करके दिखाता हूँ मैं, शुरू शुरू का है तो मैं एक बार करके भी दिखाना चाहूंगा. देखो I cross J, तो ये रहा I, तो मैं एक काम करता हूँ ऐसे करता हूँ, ये I रहा, पर ये चलेगा नहीं. क्यों? क्या J की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा. ये रहा I, ये भी नहीं चलेगा. क्यों? क्या J की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा. ये रहा I, ये भी नहीं चलेगा. क्यों? J की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा. यानी जो जाएंगे, अब मैं वो दिखा रहा हूं. देखो मैं फेलियर वाले भी इसलिए दिखाना चाहता हूं, बिकॉज़ दैट विल सेट योर माइंड.
कि इस तरीके से हमें ओरिएंटेशन को किस तरीके से करना है सो दैट करेक्ट ओरिएंटेशन हमें मिले जल्दी से. जो मिलेगा वो देखो, ये रहा आई क्रॉस जे. देखो आई क्रॉस जे, अब सही. अब थंब किधर दिखा रहा है? आउटवर्ड्स, यानी क्या हो गया? ई वेक्टर. अब आ जाओ आई क्रॉस के. आई क्रॉस के क्या होगा? अब इसका बताओ फाइनली आई क्रॉस के. ठीक है, प्रथम वेल ज्यादातर आंसर्स करेक्ट आए हैं, बट थोड़े से मिस्टेक्स भी आए हैं, इन द सेंस के साइन में कुछ मिस्टेक्स आए. आरव टिक कर लो मिस साइन. पलक, प्रियम, उन लोगों पे थोड़ा साइन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, बाकी लोगों ने जो आंसर दिए, भूमिजा, रोज, दिवेद, ठीक है ना, आरव अवसाई कर दिए, अर्णव, देवादित्य, ठीक, प्रथम, एवरीबडी इज नाउ गिवन, शिखर, रोहानी, रोहानी तुम्हारे भी बेटे साइन में थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है ना, साइन टिक कर लो. आदित्य भाटिया साइन में गड़बड़ है. अब प्रेम का साइन ठीक हो गया, शिखर का भी ठीक. चलो ठीक है, वेल डन. यानी आई क्रॉस के. अब आई क्रॉस के लिए भी देखो कुछ फेलियर अटेम्प्ट्स बता. देखो ये चलेगा? नहीं चलेगा. देखो आई क्रॉस के आउटवर्ड से ये नीचे जा रहा है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा. जो चलेगा वो ये आई क्रॉस के. ये देखो के बाहर की तरफ होता है, तो ये चार फिंगर दो की तरफ होता है, यानी क्या हो गया? नीचे जा रहा है, यानी माइनस जे का. इसका हो गया माइनस जे. ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग आंसर आ रहे हैं, बट 10 से 20% का एरर भी हो. चलो, सो दैट्स अबाउट योर I वाले का सेट. अब मैं इन्हीं का J वाले का सेट कर देता हूं. तो लाइक लेट्स से J क्रॉस I, J क्रॉस J एंड J क्रॉस K. तो लेट्स स्टार्ट विद J क्रॉस I. तो J क्रॉस I, अच्छा J क्रॉस J तो जीरो होगा, उसको तो मैंने पहले बता दिया. J क्रॉस I, हाँ जी जल्दी बताओ. ओके, प्रथम माइनस के, शिखर माइनस के, पलक माइनस के, प्रथम माइनस के, मुकुंद माइनस के, आइजा माइनस के, रोज माइनस के, रूहानी माइनस के, प्रियंका. अब तो सबके आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना. तो अगर मैं जे क्रॉस आई देखता हूं तो क्या हो जाएगा? ना ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि देखो जे तो ठीक है, लेकिन देखो ठीक से मुड़ नहीं रहा. ये चलेगा, ये भी नहीं चलेगा. देखो ये नहीं चलेगा. जो चलेगा है ना वो है ये वाला जे क्रॉस आई, और इसमें थंब अंदर की तरफ, यानी ये हो गया जे क्रॉस आई, हो गया माइनस. अब जे क्रॉस के, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, इसी सीरीज का, ठीक है. अब सबने करेक्ट आंसर दे दिया, सौरभ, पलक, शिखर, अरब. एक मिस्टेक है, अरब बेटे तुम्हारा साइन गड़बड़ है, 28 साइन ठीक कर लो. रूहानी तुमने के बोला है, के तो नहीं होगा है ना, आई होगा, ठीक कर लो. ठीक, अब सबने सही कर दिया. तो इतनी कहानी भी बता दिया सही. रोज, एवरीबडी, यानी अब हो गया जे क्रॉस के. तो जे क्रॉस के में क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा. ये चलेगा? नहीं चलेगा. ये चलेगा? नहीं चलेगा. ये चलेगा जे क्रॉस के, यानी इधर आंसर आ. I'm just pointing out what I can. Fine. अब एक काम करते हैं, लास्ट ऑफ द सीरीज फटाफट कर लें. तो इसको जे के जगह पूरा हम के का करते हैं, है ना. के क्रॉस आई, के क्रॉस जे एंड के क्रॉस के. जस्ट अ मिनट. तो के क्रॉस आई में क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई, K cross I is J. Arav says 0. Shikhar minus J. Pratham J. Mukund J. Check. I think more or less everybody is giving the same answer. Shikhar, Nikunj, Divit, sab J answer de rahe hain. So K cross I, is bar K kya hai na bahar ki taraf.
अब मैं सीधे सही वाले पे जा रहा हूँ, ये देखो के, के मीन्स आउटवर्ड्स, क्रॉस आई, देखो आई की तरफ जा रहा हूँ, ये आई है तो के क्रॉस आई यानी जे, लोगन जे, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे के लिए क्या होगा, ऐसे करके यू और फिर एस यानी माइनस आई कर, देखो के क्रॉस जे माइनस आई और के क्रॉस के तो जीरो है अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में बैठ के क्रॉस आई और आई क्रॉस के ऐसे से करते रहेंगे, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता, उसकी एक पूरा स्कीम है। स्कीम क्या है, एक सर्कल है आई जे के। अब सुनो स्कीम क्या है कि अगर एरो के हिसाब से चल रहे हो तो अगला वाला, और अगर एरो के उल्टा चल रहे हो तो माइनस लगा, मतलब आई क्रॉस जे, I क्रॉस J क्या होगा K हो, J क्रॉस K हो क्या होगा I होगा, K क्रॉस I क्या होगा J होगा, ये नहीं अगला वाला, पर इसको पलटोगे, जैसे सपोज मैं कहता हूँ K क्रॉस J, तो K क्रॉस J इधर तो नहीं ना, K क्रॉस J इधर है, यानी गोइंग ऑपोजिट पे, यानी K क्रॉस J क्या होगा माइनस I, पर सामने ही है K क्रॉस J माइनस I, ठीक है। और अगर मान लो सपोज करना है तुमको I क्रॉस K, ठीक है ना, I क्रॉस K, तो इधर I क्रॉस K ऑपोजिट टू द एरो तो क्या होगा माइनस जी, यानी आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस एंड सो ऑन, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द वे टू रिमेंबर, इस एरो के हिसाब से अगर चलोगे इन दैट केस आंसर पॉजिटिव रखना, और अगर एरो के हिसाब से उल्टा चल रहे हो तो दैट केस एक आगे स्टेप जाके आंसर नेगेटिव रखना। सो दैट्स व्हाट The system is this time, ठीक है ना? Okay, अब क्या है? Now, what is the direction exactly? Now, direction जो होता है cross product का A cross B is what? The perpendicular to the plane containing A vector and B vector. Plane में जब perpendicular कहोगे तो इंदा चेस दो आंसर है ना? जैसे अगर मैं कोई भी plane लेता हूँ, जैसे इसको अगर plane मानते हो, तो इसके perpendicular ये भी होता है, perpendicular ये भी होता है, तो कोई भी plane के तो दो दो perpendicular होता है, तो उन दोनों में से चूज करने के लिए राइट हैंड थंब ध्यान रखना, यानी ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, पर क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर दो दो होता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कैसे चूज करोगे, वो आंसर हमें देता है जो है राइट हैंड थंब। तो राइट हैंड थंब रूल इज एसेंशियली टू पिक बिटवीन द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स दैट आर पॉसिबल। अगर वो दो वेक्टर्स एक प्लेन में ना हो तो? नहीं नहीं, दो वेक्टर मिलके तो हमेशा एक प्लेन बनेगा, क्योंकि हम तो उनके टेल्स को जॉइन करा देंगे, तो दो वेक्टर मिलके चाहे प्लेन कोई सा ही बने वो एक अलग बात, बट कुछ ना कुछ प्लेन तो बनेगा ही, समझे ना, ये चीज ये हम दोनों के टेल्स को जॉइन करा दें, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, इसलिए प्लेन तो बनेगा ही बनेगा। चलो सो दैट वाज अबाउट योर क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसको डिटेल कर लें, तो डिटेल मतलब क्या, जैसे मान लो एक जनरल क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो क्या होता है, तो जैसे a वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और b वेक्टर हो गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर मुझे a क्रॉस b निकालना है तो लंबा सा बनेगा सब कुछ, तो क्या होगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, और मैं उस सर्कल को भी रख देता हूं आई जे, तो ये और ठीक है, प्लस ए वाई के साथ बी एक्स, यानी ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई
प्लस ए वाई बी वाई जी क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस प्लस ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड अब इसमें से अगर देखोगे तो ये टर्म तो खत्म ये टर्म खत्म अब इनमें से ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस जे तो आई क्रॉस जे बोलते क्या है के क्या प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के तो आई क्रॉस के बोलते क्या होगा माइनस जे प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के क्या होगा आई प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई क्या होगा जे प्लस ए जेड बी वाई k क्रॉस j बोलते क्या होगा माइनस आई यानी अब अगर मैं आई कैप को इकट्ठे करता हूं तो एक आई कैप यहां आ रहा है एक आई कैप वहां आ रहा है यानी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई फिर मैं j कैप को लेता हूं लेकिन j कैप को जनरली माइनस लिया जाता है तो इसकी मैंने माइनस तो j कैप अगर मैं माइनस में लेता हूं तो दैट केस क्या होगा एक्स बी जेड एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ये कन्वेंशन है पहले प्लस ले लो फिर माइनस ले लो फिर प्लस ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो बोलो इसको प्लस ठीक है तो ठीक है इसमें तो सब कर वो भी चलेगा ऐसा कुछ नहीं प्लस ये क्या के साथ कर रहा है एक्स बी एक्स अभी कौन है ये गलती से होना चाहिए एक्स बी वाई होगा मैंने गलती से लिखा यानी एक्स बी वाई और के कैप और कहां पे है माइनस ए वाई बी एक्स तो दैट इज द टर्म ये एक्सक्यूज ये बहुत ज्यादा लंबा टर्म्स अभी ये बड़ा खिचड़ी पे कहा हुआ है तो इसलिए इसको याद रखना बड़ा मुश्किल बट देन फॉर्चुनेटली वी डोंट नीड टू रियली रिमेंबर सो मच क्यों क्योंकि इसके लिए भी एक स्कीम है स्कीम इज बेसिकली अबाउट डिटरमिनेंट्स तो अब हम लोग ब्रीफली डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे डिटरमिनेंट में क्या होता है डिटरमिनेंट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच हैज अ सर्टेन वैल्यू बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन जैसे ये डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट इसमें क्या होता है ये जो नंबर्स है सेट ऑफ नंबर्स मैंने 9 नंबर्स यूज किया है उसके एक एक्सपेंशन का वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है सबसे पहले ए ले और उसके रो इसको रो बोलते हैं ये तीन को रोज बोलते हैं ये तीन को कॉलम तो जब ए ले रहे हो तो रो और कॉलम सप्रेस कर लो तो बचा क्या ये और फिर डायगोनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर ए ई आई माइनस एफ एच हो गया माइनस फिर माइनस आ फिर बी वाला ले तो B वाले में क्या होगा ना B का रो और B का कॉलम सप्रेस लेकिन लिखोगे माइनस इनटू DI माइनस FG प्लस C वाला जब C वाला हैंडल कर रहे हो तो C वाला रो और C वाला कॉलम खत्म कर दो फिर क्या करोगे इन दोनों का डायगोनल यानी DH माइनस EG देखो ये एक्सप्रेशन कुछ कुछ सिमिलर टाइप का से है देखो and actually similar नहीं exactly carbon copy है तो मैं relevant values लिखना पड़ता है हम क्या करते हैं इसी चीज को ये जो हमने इतना सारा बड़ा सा expression लिखा है इसको short में अब हम determinant के format में लिखेंगे and that is a cross b अब हम क्या लिखेंगे the i cap
जे का ए, और ए वेक्टर अगर पहले है तो ए एक्स बी एक्स, ठीक है, सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। देखो डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन का एक रूल है, मैंने सिर्फ वो रूल बता दिया। तो तरीका क्या था, जैसे ए के साथ जब देखोगे तो ए वाला कॉलम और रो सप्रेस, तो ये छोटा सा बचा, तो इनमें से डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, डायगोनल बोलते ई आई और एफ एच और देखो माइनस कर, ऐसे ही बाकियों में भी किया, तो सब में वही कर लो, जिस चीज का एक्सपेंशन है उसके कॉलम और रो को सप्रेस कर दो। बी में कैसे करेंगे, बी में कैसे करेंगे, तो नहीं बी वाले के लिए कन्वेंशन क्या है कि एक तो प्लस के जगह माइनस, समझ रहे, तो यानी अगर बी वाले को सप्रेस कर दो तो क्या बचा, डी एफ जी और आई, यानी डी आई माइनस एफ, तो तरीका वही है लगभग, बस ये एक्सपेंशन पे एक और रूल भी है कि पहले वाले को प्लस रखते हैं फिर अगले को माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस, इस तरीके से। यहाँ तो तीन ही है, आपने इतने सारे प्लस माइनस बता दिया ना, देखो डिटर्मिनेंट ये छोटा वाला तीन बाय तीन, डिटरमिनेंट 25 बाय 25 का भी हो सकता है, तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे, सबसे ऊपर वाला ले लो रो और कॉलम सप्रेस कर दो बाकियों का एक्सपेंशन, फिर सेकंड वाला ले लो रो कॉलम सप्रेस कर दो बाकियों का एक्सपेंशन, उसमें सीक्वेंस क्या होगा ना, सबसे पहले वाले के साथ प्लस फिर अगले वाले के साथ माइनस फिर अगला वाला प्लस फिर अगला वाला माइनस फिर अगला वाला प्लस फिर अगला वाला माइनस, इस तरीके से पूरा इसका एक रूल है। तो खैर वो तो बड़े बड़े डिटरमिनेंट्स के लिए, तीन के लिए तो प्लस माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस प्लस रूल खत्म, अगर 25 बाय 25 का डिटरमिनेंट होगा तो प्लस माइनस करते 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 पूरे 25 तक जाना पड़ेगा, फिर उसके बड़े बड़े एक्सपेंशन भी होंगे। तो देखो जो बड़े डिटरमिनेंट्स होते हैं वो हम लोग खुद तो सॉल्व कर नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटराइज सॉल्यूशन, ये छोटे छोटे वाले में तीन चार में भी इवन मैक्सिमम पांच तक भी तुम मैन्युअली कर सकते हो, जैसे हमने बताया, बट आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट वाज दैट कि देखो ये जो एक्सपेंशन आया ये कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, और इस चीज को देखते हुए साइंटिस्टों को लगा कि इसको तो याद रखना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा एक्सपेंशन कौन याद करता, लेकिन अगर उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में फिट कर दो, याद करने का ही जरूरत नहीं है, बस तो डिटरमिनेंट का रूल मालूम होना चाहिए, और डिटरमिनेंट का रूल भी इक्वली कठिन है अगर देखा जाए तो इसके साथ, लेकिन डिटरमिनेंट के रूल में फायदा क्या है कि हमारे पास एक तरीका है रो कॉलम सप्रेस करके डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस करना, तो दैट्स लाइक सम काइंड ऑफ इजीियर प्रोसेस टू हैंडल, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस याद करना चाहिए। तुम्हारा जो डिटरमिनेंट यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट को शॉर्ट में एक्सप्रेस कर, क्रॉस प्रोडक्ट को शॉर्ट में एक्सप्रेस कर, अब हम लोग दो तीन चीजें और करेंगे। नंबर वन, समझ मैं कहता हूं कि ये ए वेक्टर है, दैट इज थ्री आई कैप माइनस जे प्लस फाइव बी, और ये बी वेक्टर टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। अब करना क्या जरा समझ, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब क्या, जो बी का टिप है उससे या हेड है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ए के ऊपर, तो वो जो हिस्सा है पूरे ए वेक्टर में से वो जो हिस्सा है दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन वेक्टर, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर।
दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. बट देन यू माइट से क्यों इसका उल्टा नहीं कर सकते. बिल्कुल कर सकते, वो भी करके दिखाते हैं. अगर ए से निकालोगे तो इन दैट केस ऊपर का ड्रॉप कर दो. तो ये जो वेक्टर हुआ ये वाला, दिस विल बी नाउ कॉल्ड एज प्रोजेक्शन, को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन वेक्टर हम बना सकते. तो खैर मैं दोनों नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर. गो अहेड, कितना होगा. अब प्रथम इज गिवन, आंसर आंसर इज -1/√35. देखो प्रथम द आंसर हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, यानी आई कैप इतना, जे कैप इतना, के कैप इतना, ये तुमको बताना पड़ेगा. ठीक है, सो प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है. अगर मैंने पूछा तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर, तो हो सकता है कि तुम्हारा आंसर सही होता, वो भी मुझे नहीं पता, जस्ट गेसिंग. आई मीन लाइक मे बी That would have been okay, but not in the form that you are giving the answer right. ठीक है? Answer हुआ I cap, J cap, K cap के form में ही हो, क्योंकि question पूछ रहा है projection vector. That's what the key to the actual. ठीक है? चलो, go ahead. Generalize नहीं. इस question को solve कर. कि अगर A vector ये है, B vector ये है. So you have to find out the projection vector of B vector on A vector. You find करके तुमको answer देना. चलो let's now proceed. पहली बात तो इसका generalized concept किया जाए. I think that would make sense. तो ये सपोज ए वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर है और मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है. दिस वन, अगर ये थीटा हुआ तो देखते हैं क्या. पहली बात तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इस दैट, ये जो भी वेक्टर होगा वो होगा तो ए के डायरेक्शन में होगा. प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए मतलब क्या, ए वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन. तो सबसे पहले ना मैं ए कैप निकालना चाहता हूँ. ए कैप क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर along A vector. वो कैसे होगा ना, मान लो A vector 20 unit का, उसका length suppose 20 units है. मैं अगर उसको 20 से divide करूँ तो we get unit vector. यानी unit vector के एक concept ये भी बनता है, A vector upon magnitude of A vector. ठीक है, तो A cap हो गया A vector upon magnitude of A vector. Now why I'm doing is because क्योंकि ये जो वेक्टर होगा ना, प्रोजेक्शन वेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, ये होगा तो ए के ही डायरेक्शन. तो मैं इसको एक काम करूंगा, इस तरह से लिखूंगा कि उसका मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप. अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं देखो अगर ये एक्स लिखता हूं मैं सपोज, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल एक्स बाई बी क्या होता है, कॉस थीटा. यानी ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो बी कॉस थीटा है ना. तो देयरफॉर द प्रोजेक्शन वेक्टर is equal to magnitude b cos theta into a cap. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं as ab cos theta upon a, लिख सकता हूं मैं, और a cap को तो लिखता है a by mod a. benefit, benefit is that ab cos theta is a very easy thing to find out. And that is A dot B. यानी projection vector का general formula क्या आ गया? A dot B into A vector by A square. ये काम करो, अगर formula लिखना चाहते हो तो mod A का square. That's it. ये इसका generalized answer आ गया. इससे फायदा ये हो जाता है that now you can easily just put the values and get the answer. So a dot b याद करके देखो, हमने बताया था ना कि फटाफट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऐड करो, that is a dot b. तो therefore आंसर क्या आएगा, अपने आंसर आएगा a dot b which is 3 to the 6
माइनस वन टू जार माइनस टू एंड फाइव माइनस वन माइनस फाइव ए डॉट बी आर इंटू ए वेक्टर तो ए वेक्टर तो थ्री आई कैप माइनस जी कैप प्लस फाइव आई कैप थ्री आई कैप माइनस जी कैप प्लस फाइव ए कैप अपॉन मॉड ए का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर बोलते क्या हो जाए थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर यानी ये तो हो गया सिक्स माइनस टू फोर माइनस फाइव माइनस वन यानी माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस फाइव के कैप अपॉन ये तो ऐसी चीज आएगा थर्टी फाइव दैट इज द करेक्ट आंसर माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस फाइव के कैप अपॉन इसका समेशन देखिए क्या होगा फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर वन थर्टी फाइव तो दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है अब चेक कर लो आदित्य दास की वो ए बाई ए कैसे लिख दिया एक्चुअली देखो सपोज कोई वेक्टर है चौबीस यूनिट तो उसे उस लाइन के अलॉन्ग या उस वेक्टर के अलॉन्ग या उस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके अलॉन्ग अगर एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या होगा हमारे पास एक गिवन वेक्टर 24 यूनिट का मैं उसको 24 टुकड़े में कट करता हूं तो एक एक वेक्टर क्या होगा 1111 मैग्नीट्यूड का आएगा तो कटिंग थोड़ी करना है मतलब क्या डिवाइड करना इसलिए ए वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट ए कैप ये होता है इसका जनरल थ्योरी कल को बी वेक्टर का बी कैप निकालना तो यही आएगा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एंड सो ऑन तो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग तो ये ए कैप का आ गया पहले और फिर प्रोजेक्शन वेक्टर के लिए मैंने पूरा आइडिया बता दिया कि कैसे कैसे करना एंड दैट इज नाउ द जनरल फॉर्मूला तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए तो ये होगा अब अगर ए और ए ऑन बी करना है तो क्या करेंगे नया फॉर्मूला नहीं फिर हम क्या करेंगे इसमें ए और बी को इंटरचेंज तो ए डॉट बी को लिख दो बी डॉट ए विच डजंट मेक अ डिफरेंस और ये ए की जगह बी हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर तो अगर ए और बी को इंटरचेंज कर दो फॉर्मूला में दैट केस क्या होगा अभी फिलहाल हमने निकाला प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन ए और अगर इस फॉर्मूला में ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के दोनों का डिफरेंस हो जाता है आदित्य से इसकी बी कॉस थीटा के बाद कैसे है नहीं समझे नहीं मैं कहूं कि बी कॉस थीटा तो इसका मैग्नीट्यूड होगा इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए तो ए कैप अब ए कैप को ये लिख दिया तो देखो वो लिखते हैं हम अब ये मॉडल ना लिख के मैंने अलग तरह से लिखा है डजंट मैटर पता ही है On similar lines, you can also do A vector ka projection on B vector. So I'm not doing it. Maybe you can do it on your in your own time. Your koi question? Aarav was asking, "Wo B cos theta into A cap kyun?" Why reason maine? Ki iska jo magnitude, ye jo projection vector hai, uska jo magnitude hai, wo kya aayega? B cos theta idhar x hai na uska magnitude. X kitna ho raha? B cos theta. Wohi to likha B cos theta. लेकिन वो बी कॉस थीटा डायरेक्शन लेकिन ए वेक्टर का तो कोई भी वेक्टर क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड विद सम डायरेक्शन डायरेक्शन ए कैप से निकाल लिया ये वाला यानी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो गया बी कॉस थीटा और इसका डायरेक्शन ए कैप से आएगा तो बी कॉस थीटा इनटू ए कैप इज द प्रोजेक्शन दैट इज द आइडिया ऑफ प्रोजेक्शन चलो लेट्स प्रोसीड नाउ नेक्स्ट इज दैट सपोज ऐसे दो वेक्टर्स है टू आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस थ्री के कैप इस वेक्टर की वेक्टर बी है
ये दिया हुआ है, फाइंड एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड जेड, सो दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. You have to understand parallel का मतलब क्या होता है. Parallel का मतलब होता है जब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है, यानी parallel. ठीक है? तो अगर मान लो A वेक्टर is some multiple of B वेक्टर, that means A वेक्टर is parallel to B वेक्टर. कैसे? जैसे मान लो ये A वेक्टर हुआ और ये हो गया B वेक्टर, यानी parallel हो गया. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मल्टीपल अगर हुआ तो इसका मतलब आई कैप भी मल्टीपल होगा, जे कैप भी मल्टीपल होगा, के कैप भी सेम मल्टीपल होना चाहिए. यानी अब क्या हो गया, अगर मान लो ए वेक्टर होता है, यानी अब एक नया चीज आ गया, दैट इज एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और मान लो बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर का मतलब होगा इन दोनों के कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम आने चाहिए. यानी ए एक्स बाय बी एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए वाई बाय बी वाई एंड मस्ट बी इक्वल टू ए जेड बाय बी. So ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz. Okay. I think that's okay now. So that means 2 by x is equal to 7 by minus 3.5 and must be equal to minus 3 by z. Sir, वो 35 था. Huh? 35 था वो. ये 3.5 वो point दिख नहीं रहा होगा. छोटे में शायद नहीं दिखा होगा. अगर मोबाइल स्क्रीन में कई बार ना छोटा हो जाता. ये 3.5 लिखा था मैंने वैसे. ठीक है ना? चल. तो देखो x कितना आ गया? X is equal to minus 1 or Z is equal to 3 by 2. That's it. Then X equal to minus 1 and Z is equal to 3 by 2 is the answer. ठीक है? Mostly answer सही आया, बस दो तीन जाने का ना थोड़ा साइन का गड़बड़ा है. जैसे आदित्य भाटिया गिवन द राइट आंसर बट देन थोड़ा साइन बेटे उल्टा हुआ. उन्होंने 1 पे प्लस रखा, 3 बाई 2 पे माइनस, सॉरी 3 बाई 2 पे माइनस रखा, जबकि एक्चुअल में क्या होना है 1 में रहेगा माइनस और 3 बाई 2 पे रहेगा प्लस, यानी जेड पे जो है प्लस. तो ऐसे एक दो मिस्टेक्स हुए हैं, बाकी तो मैं देख रहा हूँ कि सब सही ही है. So let's proceed now. That was about parallelity of vectors. The vectors parallel kaise ho sakte. Now I'm going to give a question, and that is, suppose A vector hai, and C vector is
क्वेश्चन इज आर द वेक्टर्स को प्लेनर और नॉट एज अ क्वेश्चन. क्या ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर है इज द क्वेश्चन. ठीक है, या तुरंत एक आंसर आ गया. प्रियंक अग्निहोत्री का आंसर आ गया कि कोप्लेनर तो नहीं है. देवादित्य आल्सो सेड कि नहीं है, कोप्लेनर नहीं है. ओके, आरव सेज कि नहीं है. ओके, सौरव आल्सो सेज कि नहीं है. अर्णव सेज नो, दे आर नॉट कोप्लेनर. ओके, मुकुंद लास्ट कि ये कोप्लेनर क्या होता है. रोहानिया सेड नॉट कोप्लेनर एंड सौरव सेड नाउ कोप्लेनर. संकल्प से नो कोप्लेनर मतलब यस है या नो है. ओके, आरव सेज हाउ डू वी जज, वी डोंट नो. सौरव सेज नॉट कोप्लेनर. ओके, let's answer Mukund's question first. Sankalp says vectors are not coplanar. Okay, Saurav says that 2a is equal to b plus c. Yeah, so what do I conclude from that, Saurav? Yes, Saurav, you wanted to say something? Okay, सौरव से इसकी क्योंकि ये आ रहा है तो देयरफॉर ये कोप्लेनर होगा. चलो ठीक है, पहले काम करते हैं, देखते हैं कोप्लेनर का मतलब क्या है ना. तो लेट अस से इज अ वेक्टर ए लाइक दिस एंड सम वेक्टर बी लाइक दिस. कुछ भी वेक्टर हो सकता है. 90 डिग्री लेने से बायस. Now let us say there is a third vector which is coplanar. यानी coplanar मतलब समझो कि अगर a और b vector मिलके board plane है. वैसे board plane कोई जरूरी नहीं, कोई plane हो सकता है, but let's say board plane है, then that case तीसरा भी board plane होना चाहिए. Then we will say it is coplanar. या parallel to the board plane होना चाहिए, तो then we will say it as coplanar. देखो उसके लिए suppose एक काम करता हूँ मैं एक vector ले लेता हूँ, suppose ये c vector. इसी वेक्टर और ये कोप्लेनर है, तो मैं एक काम तो कर सकता हूं ना कि मैं एक ही डायरेक्शन में वेक्टर को एक्सटेंड कर देता हूं और बी के भी कुछ आगे एक्सटेंड करता हूं, सो दैट ये जो सी वेक्टर है वो इन दोनों के कुछ एक्सटेंड किया करने के बाद दोनों के वेक्टर के समेशन के बराबर है ना. तो देयरफॉर अगर मान लो c वेक्टर इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ a वेक्टर, पता नहीं कितना वेक्टर, एंड सम अदर मल्टीपल ऑफ b वेक्टर, अगर ये होता है, अगर ये सेटिस्फाई होता है, दैट मींस देन a b एंड c आर कोप्लेनर. बट देन तो फिर ये देखना पड़ेगा हमें, तो फिर देखना पड़ेगा भाई है रे या नहीं. एंड द आंसर इज यस, यू हैव टू सी. जैसे इस केस में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, आई ऑब्जर्वेशन तो मिल जाएगा. बट यू माइट से अगर आई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला तो कोई कठिन कठिन पेयर ऑफ नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया गया तो क्वाइट पॉसिबल. ऐसे केस में तो पूरे सोल्यूशन तक जाना. बट जैसे इस केस में थोड़ा ध्यान से देखो, टू टाइम्स अगर मैं ए वेक्टर करता हूं तो देखना बी प्लस सी के बराबर है. देख लो बी प्लस सी क्या हो रहा है, फोर आई कैप, ये ट्वाइस आई कैप तो डबल हो गया. b प्लस सी क्या हो गया, टू जे कैप, ये जे कैप है तो ये डबल हुआ. b प्लस सी क्या हो गया, सेवन माइनस वन है सिक्स, थ्री का डबल हुआ ना. यानी इसमें अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम करें क्या निकल रहा है, दैट टू ए इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. तो मतलब नहीं आप किस तरीके से लिखो कोई बात नहीं, यानी a वेक्टर इज इक्वल टू वन बाई टू बी वेक्टर प्लस वन बाई टू सी वेक्टर. यानी इस फॉर्मेट में फिलअप हो गया
जहां पे m का वैल्यू हाफ है और n का वैल्यू भी हाफ है। ठीक है, m और n, m और n दोनों का वैल्यू हाफ हाफ ईच है। नाउ यू माइट से कि ये तो आपने बता दिया, अगर मान लो है ना, अगर मान लो नहीं बताए होते तो हम क्या करते है ना। उसके भी एक तरीका है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी इमीडिएटली तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, रोज हैज गिवन अ डिफरेंट लॉजिक एंड दैट इज नॉट कोप्लेनर, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं नहीं, देखो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब सब, डिटर्मिनेंट अलग चीज हो, उसके साथ इसको इक्वेट मत कर। ठीक है ना, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और वैसे भी डिटरमिनेंट अगर आई कैप जे कैप के कैप करते हो तो जो है यू नो अलग टाइप का सिस्टम, तो वो तो वेक्टर हो गया ना फिर। तो वो डिटरमिनेंट वाला थोड़ा सा भी साइड में रखो। अभी इतना ही है कि अगर मान लो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है कोई सा भी एक वेक्टर दूसरों के, जैसे इस तरीके से बन गया, इन दैट केस क्या होगा, ये कोप्लेनर होगा। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है या सॉल्व करके कैसे डिसाइड करना है। ठीक है ना, संकल्प इज गिवन एन आंसर एंड दैट इज द राइट आंसर, बट क्योंकि अभी हम लोग उतना तक हम नहीं किए हैं तो इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। संकल्प इज गिवन आंसर कि इसके ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तो मैं उसी पे आना चाह रहा था। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट करेंगे वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट क्रॉस एक्सेप्ट, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस बी क्या है। देखो अगर ये ए वेक्टर है और मान लो अगर ये बी वेक्टर है तो हमें पता है कि ए वेक्टर और किसका क्रॉस क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये कितना आएगा, तो इफ आई ड्रॉ पैरेललोग्राम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, बेस ए वेक्टर, हाइट हो गया बी साइन, यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है तो वो क्या हो गया, यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मड बाय ए वेक्टर एंड बी। नॉट ओनली दैट, ए और बी वेक्टर मिलके ट्रायंगल भी बना सकता हूं, तो ट्रायंगल का तो एरिया होगा पैरेललोग्राम का आधा होगा, यानी हाफ ऑफ is equal to area of triangle form by A vector and B. So there is a certain interpretation also that goes. Fine. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं पूरे A cross B को देखता हूँ, पूरे A cross B को देखता हूँ तो पहली बात तो A cross B इस parallelogram का magnitude है और उसका जो vector होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे इस केस में देखो ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं बनाता हूं एक 3D फिगर। 3D फिगर वो कैसे, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, वहां ये हो गया इसका बेस पैरेललोग्राम। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वो तो हो गया ये वाला। तो सपोज एक सी वेक्टर भी लगा देता हूं मैं यहां, ये सी वेक्टर, तो सी वेक्टर के हिसाब से अगर मैं सारा कुछ कंप्लीट करूं तो बी वेक्टर को बराबर आ, तो सी वेक्टर के हिसाब से मैं इसको कंप्लीट करता हूं, तो दिस शेप
इज कॉल्ड एज अ पैरेललोपिपेड. और कोई भी पैरेललोपिपेड में क्या हो रहा है ना, ऑपोजिट फेसेस आर पैरेलल इस तरीके से, ठीक है. ऐसे केस में मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, जनरल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सच ए पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. अब हाइट क्या होगा ना, हाइट के लिए यहां से ये सी वेक्टर हो गया सपोज, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये हाइट माना जाएगा. तो अगर दोनों के बीच का एंगल अगर मान लो थीटा है, कौन सा ये हो गया ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर है ना ये ए क्रॉस बी है और ये सी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर वाला जो प्लेन है, अच्छा इसका जो बेस है, बेस एरिया तो निकाल लिया, देखो एरिया ऑफ बेस, एरिया बेस तो आ चुका है कितना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. साथ में देखो इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा ना, सी तो टेढ़ा है वेक्टर थोड़ा सा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हाइट कितना हो गया सी कॉस बी. यानी अगर देखा जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए बी है ना, एक काम करो इसको थीटा नहीं लिखते, ये सपोज थीटा है और ये मान लो है सपोज पाई, तो ए बी साइन थीटा हो गया एरिया बेस इनटू सी कॉस पाई. ये काम करो, दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी, दिस इज नथिंग बट सी वेक्टर है ना, तो दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज नथिंग बट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज नथिंग बट cos phi है ना. तो cos phi क्या है, वेयर phi इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो दिस इज नथिंग बट ए डॉट प्रोडक्ट, ये तो डॉट प्रोडक्ट ही हो गया ना फिर है ना. तो therefore अब एक नया चीज इंटरेस्टिंग मिल गया, and that is A cross B dot C. उल्टा भी लिख सकते हो चाहो तो, that's up to you, that's your choice. A cross B dot C is equal to volume of parallelepiped formed by three vectors A, B, and C. तीन वेक्टर्स मिलके जो पैरेललोपिपेड बनता है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा A क्रॉस B डॉट्स. लेकिन एक चीज बताओ, मैंने A और B वेक्टर को बेस लिया है, कल को क्या B और C को बेस नहीं ले सकता हूं? तो B और C को अगर बेस लोगे तो फिर A के साथ डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए. यानी अब तीन फॉर्मूले आ गए, तो वॉल्यूम कितना आ गया इज इक्वल टू, अब तीनों कॉम्बिनेशन अगर ए और बी को बेस लेते हो तो अलग टाइप का थोड़ा सा, बी और सी को बेस लेते हो थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला देखने में, और अगर ए और सी को लेते हो तो अलग. मैं इसको लिखूंगा कैसे, लिखूंगा ए क्रॉस बी डॉट सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए इज इक्वल टू ऑल्सो सी क्रॉस ए डॉट बी. लेकिन क्योंकि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए में थोड़ा सा डाइकोटॉमी हो सकता है, इसलिए मैं फाइनली माइनस को अवॉइड करने के लिए क्या करूंगा, एक मॉड बी डाल, ठीक है सर. हाँ जी बेटे. सर हमने ए क्रॉस बी डॉट सी इसलिए लिखा क्योंकि जब वॉल्यूम ए बी साइन थीटा सी कॉस थीटा आ रही थी तो वो एक स्केलर प्रोडक्ट जैसे दिख रहा था, सी कॉस फाई. एक्चुअली थीटा मैंने ए और बी के साथ यूज किया इसलिए मैं डबल यूज नहीं कर रहा है ना, तो ये मैंने फाई लिया. तो सी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो फाई है, तो अगर तुमको परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये हाइट ऑफ द पैरेललोपिपेड हो जाएगा. मैंने बोला ना बेस एरिया इनटू लेंथ, तो हाइट क्या होगा ना, सी वेक्टर थोड़ा टेढ़ा है तो हाइट के लिए क्या क्या उसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बोलते क्या एच, वो एच कितना हो गया सी कॉस फाई. ये वॉल्यूम फिर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम हो गया एरिया बेस इनटू
वो जो प्रोजेक्शन वाला है, तो एरिया बेस तो ए क्रॉस बी से आया और ये सी क्रॉस फाई, यानी क्या होगा वो डॉट प्रोडक्ट से आएगा। वॉल्यूम देख क्या रहा है? तीन वेक्टर्स को लेके अगर एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, जैसे दो वेक्टर को लेके अगर एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, तो ए क्रॉस बी क्या देता है? उसका एरिया मतलब मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली ए क्रॉस बी डॉट सी अगर करोगे तो क्या है ना, एक ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको अगर कंप्लीट करो तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो, जैसे मैंने कंप्लीट कह दिया कंप्लीट पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। इसका जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला डिराइव किया मैंने और वो आया है ए क्रॉस बी डॉट सी, या तो अगर सीक्वेंस बदल के, जैसे अभी मैंने ए और बी को बेस माना है, कल को सकता है कोई बोलेगा नहीं मैं तो बी और सी को बेस मानूंगा, है ना, ये बी हो गया और ये सी, तो मैं इसको बेस मानूंगा, वो तो मर्जी है। एक पैरेललोग्राम को तो जैसे मर्जी उल्टा पुलटा करके रख सकते हो, अभी तुम्हारे ऊपर है कि कौन सा बेस लेते हो। अगर ए बी को बेस लेते हो तो इस तरीके का फॉर्मूला, बी सी को बेस लेते हो इस तरीके का फॉर्मूला, और ए सी को बेस लेते हो इस तरीके का फॉर्मूला। ये चीज है किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा? हाँ, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और ये तीनों बराबर होंगे, ये जो मैंने तीन लिखा ना तीनों बराबर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, वो क्या होगा ना इस तरीके का एक पैरेललोग्राम का, सॉरी पैरेललोग्राम का वॉल्यूम के बराबर। दैट्स इट, ओके ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट ओके, सो दैट वाज अबाउट व्हाट वी हैड टू डिस्कस टुडे। आज हमने मोटा मोटा जो है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन किया, थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड दैट्स व्हाट वी विल वाइंड अप। प्लस मैं जो है ना शाम तक एक असाइनमेंट दे दूंगा वेक्टर्स के ऊपर, तो उसको भी प्रैक्टिस करके रखना वीकेंड पे, सो दैट जो है फिर हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस ऑन मंडे। फाइन, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर आपने आपने थ्री वेक्टर्स को कोप्लेनर होने की नहीं बताई, कंडीशन नहीं बताई ना अभी। अभी बताया नहीं मैंने, अब खत्म ही हो रहा था तो मैं चलो वॉल्यूम जीरो कर दो, तो वॉल्यूम जीरो मतलब इसको जीरो करना होता है। दैट्स लाइक व्हाट वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एक तो छोटे छोटे चीजें रहता है, विल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, आंसर्स भी भेज देना। हां हां, सॉरी सर, इज दिस आई मीन स्पेलिंग तो देखो सर देख लेना आप कि इसका स्पेलिंग एग्जैक्टली क्या होगा, चलो वो देख लेना। चलो ओके, हैव अ गुड डे।